हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ कविता आर्ट स्टूडियो से। तो आज मैं आपके लिए व्रत में आलेखन लेकर आई हूँ। 16 सेंटीमीटर व्रत में कमल के फूल का आलेखन। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल यानी कि गोला 16 सेंटीमीटर व्यास का ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं पेंसिल से कमल का फूल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक कली बनाई, उसके बाद मैंने दोनों साइड की कली बनाई है और इस प्रकार मैंने अपना फूल ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं पेंसिल की सहायता से ही पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ। और ये मैंने दो कमल के फूल बनाए हैं। तो आज मैं कमल के फूल का आलेखन बना रही हूँ, जो कि 9th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है। तो इस प्रकार आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसके दो कमल के फूल बनाए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और अब मैं पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इसी प्रकार पत्तियाँ ड्रॉ करें। तो अलग से भी मैं आपके लिए कमल का फूल और पत्तियाँ ड्रॉ करना बता दूंगी इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मैं आपके लिए इसी तरह व्रत में, आयत में और वर्ग में आलेखन लेकर आऊँगी। तो इस प्रकार देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं सबसे पहले कलर कर रही हूँ। मैंने नीचे के पार्ट में यानी धरती में येलो का लाइट शेड बनाया है। और कलर करने के लिए मैंने पोस्टर कलर लिए हैं, कैमिल के पोस्टर कलर। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो कैमिल के कलर होते हैं। तो मैंने ये कैमिल के कलर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए धरती में कमल का फूल पत्तियाँ छोड़कर और डंडी छोड़कर मैंने नीचे येलो कलर कर दिया है। और अब मैंने यूज़ किया है रेड कलर, और मैं कमल के फूल में रेड कलर भर दूंगी सबसे पहले। तो मैंने पूरे कमल के फूल को रेड कलर से कलर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने रेड कलर कर दिया है। और इसी प्रकार मैं कलियाँ सभी कली को जो कि मैंने ड्रॉ की हैं उनमें रेड कलर भर दूंगी। इससे क्या है कि रेड कलर का फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले मैंने रेड कलर की फूल पत्तियां, छोटी बड़ी कलियां सभी कर दिए हैं और दोनों कमल के फूल भी रेड कर दिए हैं। अब मैंने रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिलाकर उसको आउटलाइन कर दिया है। और उसके बाद मैंने रेड में वाइट मिलाकर उस पिंक शेड देते हुए उसको पिंक शेड से मैंने इसकी आउटलाइन की है ब्लैक कलर करने के बाद। इससे क्या होता है कि फूल उभर कर आता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, आप कमल का फूल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसी तरह बिल्कुल ईजी वे में आप ड्राइंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। और इसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करें फूल बनाने की सर्कल में, तो आप इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं इसी के लिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए फूल भी ड्रॉ कर दूंगी। मैंने अपने चैनल पर फाइन आर्ट्स के लिए और कैनवास पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग ये सब दी हुई हैं, स्टिल लाइफ पेंटिंग। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। और आशा करती हूँ को आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और देखिए लास्ट तक ये व्रत में आलेखन कैसे बनता है। तो अब मैंने पत्तियों में ग्रीन कलर किया है, और पहले डार्क ग्रीन किया है और उसके जो
पास का स्पेस है ऊपर का, उसमें लाइट ग्रीन, ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिलाकर उसमें लाइट ग्रीन किया है। और अब मैं आउटलाइन के लिए ग्रीन में ही ब्लैक मिलाकर उससे आउटलाइन कर रही हूँ। इससे क्या है कि पत्तियाँ जो है और डंडी फूल की उभर कर आ जाती है और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। तो अब लगभग मेरा व्रत में आलेखन कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने इसे थोड़ी सी डेकोरेट करते हुए वाइट कलर से इसके ऊपर बिंदियाँ लगा दी हैं। और ये देखिए इस प्रकार मैंने लगा दी हैं। अब मैं आउटलाइन ब्लैक कलर के कलर से करूँगी और मैंने इस प्रकार आउटलाइन कर दिया है। इसके लिए आप 0 नंबर का ब्रश ले सकते हैं और 1 नंबर का कलर। फूल में कलर करने के लिए मैंने पोस्टर कलर यूज़ किया है कैमल के, और 1, 2 और 5 नंबर का ब्रश मैंने यूज़ किया है। तो इस प्रकार आप कलर करिए और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, धन्यवाद। ये मैंने यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए ही ड्रॉ किया है, और 8th क्लास के बच्चे भी आप इसी तरह सीख सकते हैं। तो 9th और 10th दोनों क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चे आप इसे इजीली ड्रॉ करें और बनाइए। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट।